नमस्कार सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्रिकेट लाइन गुरु। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज आकाश मधवाल बुधवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आईपीएल 2023 के एलिमिनेटर मैच में अपने कातिलाना प्रदर्शन की बदौलत रातों रात स्टार बन गए हैं। वेल, आपको बता दें कि आईपीएल सीजन 16 में हमें कई ऐसे खिलाड़ी देखने को मिले हैं जिन्हें लाखों रुपए में खरीदा गया था और उन्होंने करोड़ों रुपए वाले खिलाड़ियों को धूल चटा दी है। बता दें कि आकाश मधवाल मुंबई और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुए एलिमिनेटर मुकाबले के स्टार प्लेयर रहे हैं। आकाश मधवाल ने आईपीएल 2023 के एलिमिनेटर मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ सिर्फ 21 गेंदों में 5 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए। मधवाल ने 21 गेंदों में से 17 गेंदें डॉट पे की थी और इस दौरान आकाश मधवाल का इकोनॉमी रेट 1.40 का रहा, जो कि T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बेहतरीन है। बता दें कि आकाश मधवाल आईपीएल प्लेऑफ में 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं। वेल दोस्तों, 29 साल के आकाश मधवाल की निजी जिंदगी को लेकर एक हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। बता दें कि आकाश मधवाल के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, लेकिन उन्होंने फिर भी क्रिकेट को ही चुना। आकाश मधवाल ने साल 2013 में एक हादसे में अपने पिता को खो दिया था। आकाश मधवाल के पिता इंडियन आर्मी में थे। आकाश मधवाल उत्तराखंड में रुड़की के डंडेरा के रहने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आकाश मधवाल रुड़की में टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के पड़ोसी हैं। आकाश मधवाल और ऋषभ पंत दोनों ने कोच अवतार सिंह से क्रिकेट की शुरुआती गुण सीखे हैं। हालांकि ऋषभ पंत इसके बाद दिल्ली शिफ्ट हो गए। वेल, आपको बता दें कि आकाश मधवाल साल 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के नेट बॉलर थे। साल 2022 की नीलामी में आकाश मधवाल अनसोल्ड रहे थे, लेकिन फिर उनकी अचानक से किस्मत खुल गई और साल 2022 में सूर्य कुमार यादव के चोटिल होने के बाद आकाश मधवाल को मुंबई इंडियंस की टीम में रिप्लेसमेंट के रूप में शामिल किया गया। आकाश मधवाल को साल 2022 में मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। इसके बावजूद मुंबई इंडियंस की टीम ने इस गेंदबाज को 20 लाख रुपए की कीमत पर आईपीएल 2023 सीजन में अपने साथ बनाए रखा। आकाश मधवाल को उनकी घातक यॉर्कर की वजह से भारत का अगला जसप्रीत बुमराह माना जा रहा है। बता दें कि आकाश मधवाल ने आईपीएल 2023 में अपनी डेथ बॉलिंग स्किल से सभी को इम्प्रेस किया है। उनके अगर क्रिकेट करियर की बात करें तो 10 फर्स्ट क्लास मैचेस में उन्होंने 12 विकेट, 17 लिस्ट ए मैचेस में 18 विकेट और 29 T20 मैचों में 29 विकेट हासिल किए हैं। आकाश मधवाल लिस्ट ए और T20 मैचों में उत्तराखंड के मौजूदा कप्तान हैं। बता दें कि वसीम जाफर मधवाल के क्रिकेट करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बने। वहीं आईपीएल में अब तक के उनके प्रदर्शन की बात करें तो 7 मैचेस में उन्होंने 12.85 के एवरेज से 13 विकेट अपने नाम किए हैं। बता दें कि 29 साल के आकाश मधवाल ने टीम इंडिया के महान स्पिनर रहे अनिल कुंबले की बराबरी कर ली है। मधवाल ने जैसे ही 5वां विकेट अपने नाम किया तो उन्होंने ये उपलब्धि अपने नाम हासिल कर ली। आईपीएल इतिहास में अनिल कुंबले के नाम 5 रन देकर 5 विकेट लेने का इकोनॉमिकल 5 विकेट होल रिकॉर्ड दर्ज है और आकाश ने इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। उन्होंने भी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 5 रन देकर 5 विकेट अपने नाम कर लिए हैं और इस सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए वो उभरते हुए सितारे साबित हुए हैं। वेल, आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम ने उन्हें मात्र 20 लाख रुपए में अपने स्क्वाड के साथ जोड़ा था। वेल दोस्तों, आईपीएल सीजन 16 में कई प्लेयर्स ऐसे देखने को मिले हैं जिन्हें बहुत ही कम रकम देकर अपनी टीम के साथ जोड़ा गया हो, यानी कि 20 लाख, 25 लाख, समथिंग, लेकिन यहां पर करोड़ों रुपए में खरीदे गए जैसे कि सैम करन, हैरी ब्रूक कुछ भी अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब नहीं रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो खिलाड़ी उभरते हुए नजर आए हैं आईपीएल सीजन 16 में, क्या उन्हें आगे चलकर करोड़ों रुपए की रकम देकर खरीदा जाएगा और अपने स्क्वाड के साथ शामिल किया जाएगा? वेल दोस्तों, इस सीजन आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा रहा है, यानी कि उभरता हुआ खिलाड़ी जिन्हें लाखों रुपए की रकम देकर अपने साथ जोड़ा गया हो, जैसे कि हो गए रिंकू सिंह, आकाश मधवाल। इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या इन खिलाड़ियों को आगे चलकर करोड़ों रुपए की रकम मिलेगी या फिर नहीं? वेल, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।